नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। अभी की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। खोले गए पूरे 41 गेट, कई क्षेत्रों में बड़ा खतरा। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोसी नदी उफान पर होने के बाद कई गांवों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। 12 घंटे के भीतर कई गांवों को खाली करवाने से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। जानेंगे पूरी अपडेट इस वीडियो में, किन किन क्षेत्रों में रहेगा ये अलर्ट, कहां होगी अत्यंत भारी बारिश। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमें अपना जिला कमेंट करना ना भूलें। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी में बाढ़ से तबाही मचना शुरू हो चुका है। सुपौल निर्मली अनुमंडल क्षेत्र में कोसी तटबंध के भीतर बचे कई गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। कोसी बैराज पर कोसी नदी का डिस्चार्ज 186,650 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सभी इंजीनियरों व कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नेपाल से सटे अररिया जिले में सप्त कोसी नदी में पानी के बहाव में उतार चढ़ाव जारी है। कोसी बैराज के 56 गेटों में से 41 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लगातार कोसी नदी में पानी की आवक बनी हुई है। कई क्षेत्रों के लिए खतरा आगे भी बढ़ सकता है, जिससे जुड़ी जानकारी आपको लगातार इसी चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।